गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की वर्कबुक क्लास 5-6 की समर्थ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने वर्कशीट 1, 2 और 3 कंप्लीट कर ली थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्कशीट 4th। वर्कशीट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। वर्कशीट 3 में हमने जो जॉइन वर्ड थे उनको हमने ब्रेक करके और 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए थे, और अब हमें क्या करना है, हमें 2 मीनिंगफुल वर्ड्स दिए हैं और उन्हें हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, 2 में से एक जॉइन करके बनाना है। सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं सारे मीनिंग्स को विद ट्रांसलेशन। द लर्नर कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। द लर्नर यानी सीखने वाला, यानी आप। कैन यानी सकता है, अंडरस्टैंड यानी समझना। द कॉम्प्लेक्स वर्ड, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है कठिन, है ना। वर्ड्स यानी शब्द, जो सीखने वाला है वो इससे क्या सीख सकता है, कठिन शब्दों को सीख सकता है, समझ सकता है। अगली लाइन रीड आउट करते हैं। जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। जॉइन यानी जोड़ना, टू वर्ड्स यानी 2 शब्दों को, एंड मेक, मेक मीन्स होता है बनाना, ओके okay? और जॉइन मीन्स जोड़ना। न्यू, न्यू मीन्स क्या होता है, नए। अच्छा, न्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ एल डी, ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुराना, ओके okay? न्यू वर्ड, नए शब्द बनाना है हमें, टू वर्ड को जॉइन करना है, जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। और हमें एक एग्जांपल दिया है, इन प्लस साइड। इन मीन्स होता है अंदर, साइड मीन्स होता है तरफ, है ना, दोनों का अलग अलग मीन है, और उसको ज्वाइन करके क्या बना दिया, इनसाइड यानी अंदर की तरफ, ओके okay? चलो हम खुद बनाते हैं नेक्स्ट। अगला है एस यू एन, सन। सन मीन्स क्या होता है, सूर्य, सूरज, ओके। एल आई जी एस टी, लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है, रोशनी, है ना। अच्छा हाँ, फिर से करते हैं। लाइट का अपोजिट वर्ड डी ए आर के, डार्क। डार्क मीन्स होता है अंधेरा। हमें ये अपोजिट वर्ड्स को याद भी रखने हैं और नोटबुक में आप नोट डाउन करेंगे इन सबको, ओके okay? इसीलिए मैं आपको इसके साथ साथ अपोजिट वर्ड्स और अपोजिट जेंडर भी बताते जा रही हूँ। तो ये न्यू वर्ड क्या बना है हमारा, एस यू एन एल आई जी एच टी, सनलाइट। क्या बना, सनलाइट। सनलाइट मीन्स होता है सूर्य की रोशनी, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ यू टी, आउट। आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। आउट मीन्स बाहर। साइड, साइड मीन्स क्या होता है, तरफ। साइड मीन्स तरफ। आउटसाइड तो इसका न्यू वर्ड बनेगा ओ यू टी एस आई डी ई, आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की तरफ, ओके okay? और इसका आउटसाइड का अपोजिट वर्ड भी देख लेते हैं हम, इन साइड, ठीक है। इन साइड मीन्स होता है अंदर की तरफ। अगला है, नेक्स्ट है लंच, एल यू एन सी एच, लंच। लंच मीन्स होता है दोपहर का भोजन, ओके okay? और लंच देखा है तो हम 2-3 वर्ड्स और देख लेते हैं, है ना। लंच मीन्स दोपहर का भोजन, और एक होता है ब्रेकफास्ट, बी आर ई ए के एफ ई एस टी। ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है, सुबह का नाश्ता, ओके। लंच मीन्स होता है दोपहर का भोजन, और डिनर, डिनर, डिनर मीन्स होता है रात का भोजन, ओके okay? डिनर को एक बोलते हैं सपर, सपर भी बोलते हैं। अगला है बी ओ एक्स, बॉक्स। बॉक्स मीन्स होता है डिब्बा। क्या होता है, डिब्बा। बॉक्स मीन्स होता है डिब्बा। तो एक न्यू वर्ड हम इससे बना रहे हैं, एल यू एन सी एच बी ओ एक्स, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स मीन्स क्या होता है, टिफिन, सभी जानते हैं ना। नेक्स्ट बी यू डबल टी ई आर, बटर। बटर मीन्स होता है मक्खन, ओके okay?
और एक ये है फ्लाई, FLY, फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। अब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं, BUTTER FLY, ये बना बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स होता है तितली, सबने देखा होगा ना, फूलों पे जो रहती है। अगला है HOUSE, हाउस। हाउस मीन्स होता है घर, ओके। एक है BOAT, बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है, नाव जो पानी में तैरती है, ओके। अब इससे हम नया वर्ड बना रहे हैं, हाउस, हाउस बॉट। हाउस बोट मीन्स होता है तैरने वाला घर, है ना, जो ऐसी बोट जिसमें हाउस बना होता है, ओके, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, TUBE, ट्यूब, इसको बोलते हैं ट्यूब। ट्यूब मीन्स होता है नली या वेन जो होती है हमारे बॉडी में, उनको भी हम ट्यूब बोलते हैं। अगला है लाइट। लाइट मीन्स होता है रोशनी, ठीक है। अब इसका हम कंबाइंड वर्ड बनाते हैं, TUBELIGHT, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट तो आप सब जानते हैं, हमारे रूम्स वगैरह में लगी होती है ना, वही ट्यूबलाइट। अगला है क्लास, CLASS, क्लास। क्लास मीन्स होता है, क्या होता है, क्लास मीन्स कक्षा। RMM, रूम। रूम मीन्स होता है कमरा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, इसको हम वन वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, CLASS, RMM, क्लास रूम। क्लास रूम मीन्स क्या होता है, कक्षा, कक्ष, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, AFTER, आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, आफ्टर मीन्स बाद में। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा बताइए, आफ्टर का अपोजिट वर्ड, BEFORE, बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स पहले। अगला है NOON, नून। नून मीन्स होता है दोपहर, ओके। इसका वन वर्ड बनाते हैं हम, AFTERNOON, आफ्टर नून। आफ्टर नून यानी होता है दोपहर के बाद का समय, ठीक है। अब है AIR, एयर। एयर मीन्स होता है हवा। BAG, बैग। बैग तो ऐसे बैग ही होता है, पर हिंदी में इसको थैला भी बोल सकते हैं, है ना। अगर हम सर्च करेंगे तो हमें यही मिलेगा, आप लोग भी ना इन चीज़ों को सर्च करो। अब एयर बैग, है ना, एयर बैग। एयर बैग का हिंदी मीन तो वैसा होता है कि भी जो फूल फूलने वाला बैग, ये है ना सेफ्टी के लिए, जो गाड़ियाँ होती है, जो हमारी फोर व्हीलर्स होती है, उसमें ये एयर बैग्स होते हैं। जब कभी एक्सीडेंट वाली कंडीशन होती है तो ये एयरबैग क्या खुल जाते हैं, ताकि जो ड्राइवर है उसको कोई नुकसान ना हो। आप लोग सब एयरबैग को गूगल पे सर्च करेंगे और देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है ना, सभी लोग सर्च करेंगे ना, ओके। और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि ये क्या होता है, ओके। अगला है बास्केट, BASKET, बास्केट। बास्केट का हिंदी मीन क्या होता है, टोकरी। अगला है BALL, बॉल। बॉल मीन्स क्या होता है, गेंद। अब हम एक इसका कंबाइंड वर्ड बनाते हैं, BASKET, BALL, बास्केट बॉल। ये तो पता ही है आपको, बास्केटबॉल एक गेम का नेम है हमारे, है ना। अगला है BOOK, बुक। बुक मीन्स क्या होता है, किताब। MARK, मार्क। मार्क मीन्स होता है निशान, है ना। अब हम इसका कंबाइंड वर्ड बनाते हैं, बुक मार्क। बुक मार्क मीन्स होता है, इसको हम बोल सकते हैं पृष्ठ स्मृति, है ना। ये आपको थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया होगा,
बुकमार्क, जैसे हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं है ना, और हमने बुक को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो हमें याद नहीं रहता है कि हम कौन से पेज पे थे। तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ होती है जो उसके बीच में रखी जाती है ताकि हमें फिर से पता चल जाए कि हम इस पेज पे पढ़ रहे थे, वो होता है बुकमार्क। अगला है कप, CUP, कप। कप मीन्स कप, सब जानते हैं। BOARD, बोर्ड। बोर्ड मीन्स होता है समिति या मंडल, है ना, बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको जो मिलाकर बनाई जाती है कम्युनिटी, वो होती है बोर्ड। तो इसको हम बना लेते हैं कंबाइन करके, CUP BOARD, ये बना है कपबर्ड। कपबर्ड मीन्स होता है, कपबर्ड मीन्स होता है क्या, अलमारी, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया है टू वर्ड्स से वन न्यू वर्ड बनाना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है जिस डेट को आप ये करेंगे, और टीचर्स को चेक करा के क्या करना है, साइन करवाना। तो ये हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं अगले वर्कशीट में।